हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश के दो बड़े अपडेट के बारे में बात करेंगे। पहला अपडेट आप सभी का है कि आप सभी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फाइनल डेट था वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। जैसा कि मैंने कल वीडियो बनाकर आप सभी को बता दिया था कि आप सभी का एग्ज़ाम 27-26 कब होना है, मैंने आप सभी को बता दिया था। तो फाइनली आप सभी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 26/1 आ चुकी है। और आप सभी को विश्वास नहीं है सबसे पहले अपडेट देने के लिए, तो आप प्रीवियस वीडियो हमारा देख सकते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। दूसरी बड़ी अपडेट है कि एडमिट कार्ड जो है वो आप सभी का स्टार्ट होना डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा 16/7/2023 से। और तीसरी बड़ी अपडेट आप सभी को दूसरे स्क्रीन पर लेकर चलकर बताते हैं, और यह तीसरी बड़ी अपडेट जो है वो है कि इस बार आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। मतलब आप किसी भी क्वेश्चन को गलत करेंगे तो आपका एक नंबर जो कटता था वो नहीं कटेगा, और ये बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है, तो इस अपडेट को आप सभी ज़रूर लोगों तक शेयर करें। ठीक है, और इसमें कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए हैं जिसको मैं पढ़कर आप सभी को बताने की कोशिश करूँगा कि प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के 4 विकल्प होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाएंगे। उत्तर के चारों विकल्प में सही उत्तर केवल एक ही होगा। एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने पर उस प्रश्न का उत्तर जो है अमान्य होगा। मतलब आप दो विकल्प चुनते हैं तो अमान्य माना जाएगा। फिलहाल प्रत्येक प्रश्न पत्रों में 100 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे। यदि कोई प्रश्न गलत होता है तो दो विकल्प सही होने पर उस प्रश्न को हल करने वाले अभ्यर्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, अगर कोई प्रश्न गलत है, ठीक है, यानी उसमें दो विकल्प सही है तो पूरा 4 दिया जाएगा, चाहे आपका गलत हो या नहीं। प्रवेश परीक्षा में गलत उत्तर देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यह बहुत बड़ी एंड बिग अपडेट है। ठीक है, चलिए तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन था। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।